गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। सबसे पहले नायरा का अपडेट ले लेते हैं। हेलो नायरा। तो भाई, आपको हमारे चेहरे से तो दिख ही रहा होगा कि कल से हमारी तबीयत थोड़ी बेटर है। नायरा तो अभी एकदम रिकवर्ड है और यहाँ पे देखो खुशबू भी फाइनली इज आउट ऑफ हर ब्लैंकेट। खुशबू कैसा लग रहा है? बेटर? आज अच्छा लग रहा है। हाँ, आज तुम्हारे फेस पे भी थोड़ा लग रहा है कि आज तुम्हारे में थोड़ी जान है आज। तो पहले तो सॉरी, हम लोग आज व्लॉग बहुत लेट चालू कर रहे हैं। आज दिन का कोई कंटेंट ही नहीं लिया हमने, बिकॉज हम लोग बस, मैं काम कर रहा था, मेरा कल गैप हो गया था, मैंने कल छुट्टी ली थी, तो मैं मेरा सब पेंडिंग काम खत्म कर रहा था। खुशबू और नायरा बस आराम कर रहे थे और खुशबू थोड़ा बहुत, खुशबू ने आज अपने अच्छे लंच भी वापस बनाया, आज थोड़ी बेटर लग रही थी वो। तो रोज हम शाम को 5-6 बजे चाय पीते हैं, आज हम पी रहे हैं गर्मा गर्म राब। क्या करें, अभी यही करना पड़ेगा। थोड़ा घर के नुस्खे अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस बार का फ्लू भाई बहुत डेडली निकला। खुशबू की तो मतलब बैंड ही बजा दी, हम तीनों की एक्चुअली हालत खराब हो गई थी। ऐसा इतना गंदा, मतलब हमारे साथ इतनी बुरी सर्दी खांसी हमें कभी नहीं हुई जितनी हमें ये पिछले 15 दिनों में 2 बार बैक टू बैक हो गई है। हमने इसको सिखाया है कि कचरा डस्टबिन में कैसे डालते हैं, तो ये देखो अपने हाथ से डाल रही है कचरा अंदर। नायरा थैंक यू, वेरी गुड गर्ल, थैंक यू। अभी जा। पिछले 2 दिन से भाई हम लोग का घर, मतलब कुछ काम काज कुछ हुआ ही नहीं था, तो इधर खुशबू 2 बास्केट लेके बैठ गई है। इसमें हमारे पिछले कितने दिनों से सुखाए हुए सब कपड़े पड़े थे, घड़ी भी नहीं किया था, अभी इसको प्रेस भी करना है ना खुशबू, अभी सब कब करेंगे। लॉट बहुत बढ़ गया और अभी एक मशीन में पूरा एक लॉट और एक ऐसे का एज इट इज़ पड़ा है अंदर। तो भाई देखो, जब बीमारी आती है तो साथ साथ क्या क्या छोड़ जाती है। अभी मांड मांड रिकवर हुए थे कि अभी वापस ये सब पेंडिंग काम भी ख़त्म कर लें। एनीवे चलो खुशबू, मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। अभी ये हैंगर खाली हुआ है तो कपड़े सुखा दूँ सारे? हाँ। चलो मैं कपड़े सुखा देता हूँ। शाम के बज रहे हैं 7:30 और आज वैसे खुशबू अपनी आज 7th वेडिंग एनिवर्सरी भी है, सो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। 7 साल हो गए खुशबू। 7 इयर्स। 7 इयर्स। और उन 7 इयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, आज कुछ स्पेशल करने के लिए, हमने सोचा कि मैं और नायरा नीचे जाके थोड़ा सा पिज्ज़ा लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे से पिज्ज़ा लेके आया हूँ, तो अभी हम लोग ये पिज्ज़ा एंजॉय करेंगे। तो भाई खाना वाना खा के हम लोग हो गए हैं फ्री, और क्योंकि आज 7th वेडिंग एनिवर्सरी है हमारी, तो हमने सोचा कि पहले हम आपको हमारे वेडिंग के कुछ झलके दिखाएं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमने कुछ दिनों पहले एक व्लॉग में हमारा वेडिंग पूरा कवर किया था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ पे ऊपर मैं लिंक कर दूंगा, उसको ज़रूर देख लेना। तो हमने सोचा कि अभी और क्या दिखाएं, तो फिर हमें याद आया कि आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले जब हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसी दिन खुशबू का बेबी शावर था। तो व्हेन खुशबू वाज प्रेग्नेंट विथ नायरा, 14th December 2021 was the day when it was our 5th wedding anniversary and it was also our baby shower. So हमने आज सोचा कि हम आपको उस दिन की थोड़ी झलक दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं।
માટે અને પ્રિયાંગ માટેનો આનંદનો અવસર કે હર એક ઘરમાં આવે ને એવો આનંદનો અવસર છે ને એને માણવા માટે આપ બધા અહીંયા આવ્યા છો. ભાભી તો કોઈ દિવસ ફોન જ ન ઉપાડ્યા. લાવ ખુશ્બુ ને સર. હેલો ખુશ્બુ. કેમ છે? મજામાં? આજ તો બહુ ખુશમાં છે ખુશ્બુ. પાર્ટી આપો હવે જલ્દી. હા પાક્કું આવો ત્યાં ઘરે. હા મમ્મી શું કરે છે? મમ્મી છે ને સામાયિક કરે છે. મારા ખ્યાલથી પડાઈ ગઈ છે એટલે ઉભારો આપું તમને. હા આપ જલ્દી. હા મમ્મી પારુ ફેબાનો ફોન છે.
હેલો ભાભી, જય જીનેન્દ્ર. હા બોલો, કેમ છો? જય જીનેન્દ્ર. મજામાં? હા હો, મજામાં. તમે શું કરો? હું તો બસ આજ બહુ ખુશ છું, આ સરસ ખુશખબર મળ્યા એટલે મેં લાવ ભાભીને જલ્દી ફોન કરું અને હરખ કરું. હા, અમે પણ બહુ ખુશ થયા. હા, દાદી બનવાના કેમ? હા, હવે ઉપવાસ રહીના દોડા બંધ અને દાદીની ડ્યુટી ચાલુ. બરાબર છે, બરાબર ને? હા, હવે પાર્ટી આપો ભાભી. પાર્ટી આપી દઈએ, આવો ઘરે. હા તો આવું છું બપોરના. આવો આવો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર બ્રિંગિંગ ધીસ હેપીનેસ ટુ અવર ફેમિલી. હું એ દિવસનો વેઇટ નથી કરી શકતો જ્યારે આપણું બેબી આપણી લાઈફમાં એન્ટર થશે. તને તો ખબર છે મારા છોકરા કેટલા ગમે છે. બિલીવ નથી થતો કે થોડા દિવસમાં આપણે મમ્મી પપ્પા બની જશું. કેવી હશે આપણી લાઈફ? અત્યાર સુધી મિન્ત્રા, એમેઝોન, નાયકાથી શોપિંગ કરતા હતા, હવે ફર્સ્ટ ક્રાય અને બેબી હવેથી શોપિંગ કરશું. પહેલાં ફ્રેન્ડ્સ સાથે લોંગ ડ્રાઈવ પર જતા અને હવે થોડા દિવસોમાં બેબી સાથે નાઇટ આઉટ કરશું. પહેલાં તો બહાર જતા પહેલાં હેન્ડબેગ નહોતી ભૂલતી, હવે બેબી બેગ નહીં ભૂલીશ. પહેલાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ્સ જોતા અને હવે યુટ્યુબ પર નર્સરી રાઇમ્સ ઉગાડશું. એનીવે, આ પણ એક નવો એક્સપિરિયન્સ છે. The time of our lives, the night is in.